Hello, students. I, am Vekumar. going to discuss part three of the chapter three, rest and motion, kinematics of class eleven of the of the book Concepts of Physics written by Dr. S. C. Verma. in this part i am going to solve i am going to solve the problems of the book concepts of physics of chapter 3 of class 11 starting from problem number 11 to problem number 17 this part is not only useful for

पोजिशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है वाई एक्सिस पर पोजिशन है एक्स पोजिशन एक्स है इन मीटर में और एक्स एक्सिस पर टाइम है और ये ग्राफ जो एक्स टी ग्राफ है इसमें कर्व है जिसमें यह बतला रहा है कि टाइम जीरो पर इफ टी वन इजक्ल टू जीरो डिसप्लेसमेंट एक्स वन इजक्ल टू जीरो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट एट इनिशियली एट टी इजक्ल टू जीरो टी वन स्टार्टिंग टाइम टी वन हम सपोज करते हैं जीरो जो पोजिशन है पार्टिकल का वह ट्वेंटी पर है देखिए जीरो टी इजल टू जीरो स्टार्टिंग में टी इजल टू जीरो तो पोजिशन इज ट्वेंटी एक्स वन इक्वल्स टू ट्वेंटी मीटर एक्स वन और एक्स जीरो भी आप सपोज कर सकते हैं इसको एक्स जीरो ट्वेंटी है फिर देखें हम टाइम ड्यूरेशन निकालना वह टाइम निकालना है जिसके लिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो हो जाए और फिर हम देखें यहाँ इस पॉइंट पर यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ टाइम जो है टेन टेन सेकेंड के थोड़ा पहले एट सेकेंड के आसपास है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है टेन मीटर से भी कम है एट मीटर के आसपास होगा लेकिन यहाँ पर ये टाइम है यहाँ देखिए यहाँ पर इस लेवल में टेंथ टेन के बाद जो टाइम एक्सिस पर जो ये टाइम पार्टिकुलर टाइम है इस पार्टिकुलर टाइम पर देखिए फिर पोजिशन पार्टिकल का ट्वेंटी हो गया तो एवरेज वेलोसिटी जीरो तब होगा एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्टेंस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल दैट इज एक्स टू माइनस डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी और एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन तो ये पॉइंट हमको देख ये पॉइंट इस इस पॉइंट के कॉस्पॉन्डिंग टाइम हमको देखना होगा इस यहाँ जो कर्व का पिक है यहाँ ये अभी जो है ट्वेंटी मीटर के ही ट्वेंटी मीटर के ही ये ट्वेंटी मीटर के ही सिद्ध में है ट्वेंटी मीटर जो है यहाँ पोजिशन उसी के लाइन में ये पॉइंट है ये यहाँ तो ये पॉइंट निश्चित रूप से टेन ट्वेल्व सेकेंड होगा टी इजल टू ट्वेल्व सेकेंड एट विच पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज अगेन ट्वेंटी मीटर तो वह टाइम हो जाएगा ट्वेल्व सेकेंड ट्वेल्व सेकेंड ही टाइम होगा जहाँ की पोजिशन फिर जीरो होगा जिसलिए चेंज इन पोजिशन चेंज इन पोजिशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो सो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो तो वह टाइम निश्चित रूप से टी टू इज टू ट्वेल्व सेकेंड ही होगा जहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन पार्टिकल का फिर ट्वेंटी मीटर है तो एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज वी एवरीज भी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी दैट इज़ डेल्टा एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन यहाँ वेक्टर यूज किया जा सकता है हमने वेक्टर यूज नहीं किया है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टू एक्स टू माइनस एक्स वन और टी टू माइनस टी वन उसके माइनीच्यूड को हिस्सों किया है अब एक्स टू इज ट्वेंटी और एक्स वन इज़ ट्वेंटी टी टू इज ट्वेल्व माइनस टी वन इज़ जीरो दैट इज़ ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी दैट इज जीरो जीरो बाई ट्वेल्व इज जीरो एवरेज वेलोसिटी इज़ जीरो डेट फॉर एवरेज वेलूसिटी इज जीरोट टाइम हाउ मच टाइम इजकल टू टाइम डेट टाइम विल ट्वेल्व सेकेंड तो जीरो से ट्वेल्व सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा पार्टिकल का इसलिए कि स्टार्टिंग uh, में एट इजकल टू जीरो डिसप्लेसमेंट पोजिशन है पार्टिकल का ट्वेंटी मीटर और फिर टेन सेकेंड के बाद ये पॉइंट है यहाँ यहाँ uh, पिक जो है कर्व uh, कर्व का जो अथी है पिक है वह फिर जो है ट्वेंटी मीटर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेन सेकंड के बाद ट्वेंटी ट्वेल्व सेकेंड होगा तो भी एवरेज इजकल टू जीरो और वह टाइम कितना होगा एट इज गल टू ट्वेल्व सेकेंड दिस इज आंसर ऑफ द प्रॉब्लम नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन विच ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स एलॉन्ग द सॉलिड कर्व सोन इन फिगर थ्री सेवन

और एक्सरस के लूँ टाइम मिनट में है तो यहाँ पर पॉइंट ए पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वह इसका स्लोप इसके बाद ए पॉइंट के बाद डिक्रीज कर रहा है स्लोप जो है निगेटिव है यहाँ पर अगर हम देखते हैं अगर दूसरा पॉइंट बी चूज करना है कहाँ होगा इस कल में यहाँ पर होगा टू मिनट के ठीक सामने होगा ऊपर में होगा या यहाँ पर होगा फोर मिनट फोर मिनट और सिक्स मिनट के बीच होगा कोई पॉइंट टाइम पर तो यहाँ पर B पॉइंट पर अगर देखते हैं अगर ये पॉइंट दूसरा पॉइंट B यहाँ होगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी का जो स्लोप है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप जो है क्या है ये अपवार्ड जा रहा है मैंने बढ़ रहा है इस पॉइंट के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और फिर यहाँ पर देखें अगर ये पॉइंट अब बचा एक ही पॉइंट अब यहाँ फिर देखते हैं तो यहाँ पर ज़रूर अगर बी पॉइंट को यहाँ लिया जाए करके एकदम एक्स्ट्रीम पोजिशन पर एकदम स्ट्रीम राइट पोजिशन पर तो यहाँ पर भी देखिए इसके बाद जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्स स्लोप जो है पेंडिगेटिव हो रहा है ये नीचे की ओर कभी जा रहा है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा तो सर्टेनली डेट पॉइंट विल बी पॉइंट बी विल बी हेयर और ये पोजिशन हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसको हम मिला दें इसको ज्वाइन कर दें इस पॉइंट को यहाँ तो ये फाइव मीटर होगा ये फाइव मीटर होगा और फाइव मिनट होगा और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका अगर वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लें प्रॉब्लम में क्लियरली नहीं दिया है लेकिन एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट तो ये देखिए ये पॉइंट यहाँ ये यहाँ पर मिल गया तो यहाँ निश्चित रूप से टू मीटर और फोर मीटर के बीच जो है थ्री मीटर होगा थी थ्री मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम होगा वो फाइव मिनट होगा तो सर्टेनली बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो स्लोप है वह जो है निगेटिव है इसलिए दोनों ही पोजीशन ए और बी पर वेलोसिटी का जो टेंडेंसी है वह डिक्रीजिंग नहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो टेंडेंसी है दोनों जगह स्लोप निगेटिव है सर्टेनली तो तो डेट पॉइंट बी विल हेयर नॉट हेयर क्योंकि तो यहाँ पर यहाँ जहाँ ट्रॉ पर लेते हैं इस कर्व का ट्रो ट्रॉ पर लेते हैं जहाँ पर कि टू मिनट की अगर जस्ट एब तो वहाँ पर वहाँ पर वेलोसिटी का इसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप इस टू मिनट जो टाइम पर जो पोजीशन है कर्व का वह जो है उसके बाद वहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग नेचर का है और यहाँ पर ए पर जो है डिक्रीजिंग है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप निगेटिव है तो वह पॉइंट भी ही हो सकता है जहाँ पर कि स्लोप जो है निगेटिव है तो डेट पॉइंट विल बी बी जहाँ पर कि वेलोसिटी जो होगा पोजिशन ए एंड बी है दस जहाँ पर कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजिशंस ए एंड बी वह जो होगा एज द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है दोनों डिक्रीजिंग नेचर का है पॉइंट ए और पॉइंट uh, ए पर डिक्रीजिंग है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन और पॉइंट बी पर और एवरेज वेलोसिटी का और बी पर भी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव होगा तो वह पॉइंट सर्टेनली यहाँ होगा एक्स्ट्रीम कर्व uh, के राइट पोर्शन में दैट पॉइंट That point will be uh, that point on the on the curve. The, the point curve uh, the point B on the curve will be certainly at the extreme of the curve, extreme right of the curve, at the uh, <coughs> crest. This point is crest, where uh, so that at point A and point B, the direction of instantaneous velocity and average velocity uh, both are same. So the position of the point H. और बी पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा फाइव मिनट पर और जो पोजीशन है थ्री मिनट पर तो बी पॉइंट का जो पोजीशन हो गया बी दे करके हम लिख देते हैं ब्रैकेट में फाइव मीटर फाइव मिनट एंड फाइव मिनट पर जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट के कॉस्पॉन्डिंग अब वाई एक्सिस पर अगर डिस्प्लेसमेंट सपोज करते हैं तो थ्री मीटर दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम द पॉइंट बी इज हेयर उसका पोजीशन निकालना था तो पॉइंट बी का पोजीशन हो गया फाइव मिनट पर और थ्री फाइव मिनट यहाँ फोर और सिक्स मिनट के बीच में यहाँ पर पॉइंट बी है और इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं वाई एक्स इधर पोजिशन है तो वहाँ जो पोजिशन होगा फाइव मिनट पर वह थ्री मिनट होगा सो द पॉइंट पोजिशन ऑफ द पॉइंट पोजिशन ऑफ द पॉइंट इज फाइव मिनट थ्री मिनट थ्री मीटर फाइव मिनट थ्री मीटर विच इज ऑल्सो सोन इन द पोजिशन ग्राफ यू कैन ऑल्सो राइट इट एज

नाउ प्रॉब्लम नंबर थर्टीन इन विच एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलुसिटी फोर मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलेटेड एट द रेट ऑफ वन पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर फाइव सेकेंड फाइन द डिस्टेंस टेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सलेशन एक ऑब्जेक्ट है वस्तु है जो कि इनिशियल वेलुसिटी फोर मीटर पर सेकेंड है और उससे एक्सलेट करने किए जाने के बाद एक्सलेसन ऑबटेन करता है वन पॉइंट प्राप्त करता है वन पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइव सेकेंड में तो इस पीरियड में जीरो से फाइव सेकेंड जो ड्यूरेशन है टाइम के इंटरवल उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो कैलकुलेट करना है आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ इट्स सॉल्यूशन यू इजकल टू इनिशियल स्पीड इज फोर पॉइंट जीरो दैट इज फोर मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलेटेड एक्सलेशन रेट ऑफ एक्सलेशन एक्सलेशन का जो रेट है वन पॉइंट स्मॉल इजकल टू वन पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम इज फाइव पॉइंट जीरो सेकेंड दैट इज़ फाइव सेकेंड डिटेंस कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सलेसन एस निकालना है डिस्टेंस कवर्ड सिम्बॉल इज यस यूनिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सलेटेड मोशन वी हैव एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एयर यू इज फोर टीज फाइव प्लस वन पॉइंट टू एज वन पॉइंट टू इंटू फाइव स्क्वायर टीज फाइव स्क्वायर और वन पॉइंट टू कैंसिल हो गया टू तो से दैट इज ज़ीरो पॉइंट सिक्स और ये फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव दैट इज ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव ये फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट सिक्स फिफ्टीन दैट इज ट्वेंटी प्लस फिफ्टी फिफ्टीन वन फाइव डेट इज थर्टी फाइव मीटर आंसर डिस्टेंस कवर बाई दर्टी फाइव मीटर जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ एक्सलेटेड मोशन का यूज किया आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला फॉर एक्सलेटेड मोशन एच इज़ एस इज कल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू दिया है फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम है फाइव सेकेंड प्लस हाफ एक्सलेसन इज वन पॉइंट टू एंड टाइम इज टी स्क्वायर दैट इज फाइव स्क्वायर तो वन पॉइंट टू कैंसिल हो गया टू से जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज फाइव फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव दैट इज ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन दैट इज थर्टी फाइव मीटर थर्टी फाइव मीटर दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑफ द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर थ्री रेस्ट एंड मोशन ऑफ़ क्लास इलेवन ए पर्सन ट्रेवलिंग एट फोर्टी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग ए डिस डिस्टन ऑफ सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिजअ स्कूटर हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग एक पर्सन है एक आदमी है जो अपने स्कूटर से जा रहा है और उसका स्पीड है फोर्टी थ्री किलोमीटर पर आवर और वह ब्रेक अप्लाई करता है जिससे स्कूटर को सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन देता है मंदन देता है रिटार्डेशन में नेगेटिव एक्सलेशन हो गया नेगेटिव साइन हो जाएगा एजिकल टू तो माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगा हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग तो रुकने के पहले कितना डिस्टेंस स्कूटर कवर कर लेगा ये निकालना है तो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ इथ सॉल्यूशन इनिशियल स्पीड इविजिकल टू फोर्टी किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकेंड में आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इन एस आई यूनिट इन मीटर पर सेकेंड तो फोर्टी थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई एटीन एटीन से फोर्टीन फोर्टी थ्री पॉइंट टू टू पॉइंट फोर कैंसिल हो करके और टू पॉइंट फोर इंटू फाइव डैट इज ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड ट्वेल्व फोर्टी फोर्टी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड था शुरू का जो चाल था प्रारंभिक चाल वह हो गया मीटर पर सेकेंड में फाइव बाई एटेन से मल्टीप्लाई कर दिए वन किलोमीटर पर आवर इजकल टू तो फाइव बाई एटेन मीटर पर सेकेंड ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड हो गया और डिसलेसन देता है एक्सलेशन का उल्टा डिसलेसन है टाइम के साथ जो है थी उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो दैट इज रिटाडेशन है मंदन है उस स्कूटर में नाइन्टी सिक्स पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस नेगेटिव साइन दे दिया चूंकि रिटार्डेशन है स्कूटर में और रुकने के पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटरिस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट तो फाइनल स्पीड जो स्कूटर का जीरो हो जाएगा फाइनल स्पीड का सिम्बॉल v होता है जीरो इनिशियल स्पीड का यू होता है और डिस्टेंस कवर्ड निकालना है s सजकल टू वाट फार्मूला एक है वी एस स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सलेटेड मोशन उससे निकल जाएगा और पेन हो जाएगा s सजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए उसी फार्मूला से वी स्क्वायर इजकल टू होता है यू ए स्क्वायर प्लस टू एस और भी माइनस यू स्क्वायर इज टू टू एस हो जाएगा दैट फोर ए इज कल टू वी स्क्वायर माइनस यू ए स्क्र एस अपॉन टू ए तो ये डायरेक्ट फॉमूला डिस्टेंस निकालने के लिए हो गया और भी जो है जीरो है जीरो स्क्वायर माइनस यू इज ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड अपॉन टू ए इज ऑल्सो निगेटिव माइनस सिक्स दैट इज माइनस जीरो स्क्वायर दैट इज जीरो माइनस ट्वेल्व स्क्वायर दैट इज माइनस वन फोर्टी फोर ट्वेल्व स्क्वायर इज वन फोर्टी फोर माइनस सिक्स इंटू ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व हो गया ये ट्वेल्व से वन फोर्टी फोर कैंसिल हो गया ट्वेल्व हो गया दैट इज ट्वेल्व मीटर आंसर ट्वेल्व मीटर स्कूटर ट्वेल्व मीटर डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर कमिंग इन टू रेस्ट आई हैव यूज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सलेटेड मोशन वी एस्वाइर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस टू एस डेर फोर एस इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन टू ए फाइनल स्पीड भी जीरो है जीरो स्क्वायर इनिशियल स्पीड 43.2 किलोमीटर पर आवर था तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 5 वाइन बाई 18 मीटर पर सेकेंड हो गया फ़ाइव बाई एटी से मल्टीप्लाई करके चूँकि सिंस वन किलोमीटर पर आवर इज फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड तो वो हो गया ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड ई स्पीड तो जीरो तो एस इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए तो भी इजकल टू जीरो माइनस ट्वेल्व स्क्वायर अपॉन टू इंटू एक्सल रि है माइनस सिक्स में नेगेटिव साइन लिया जाता है क्योंकि टैंक के साथ वेलोसिटी डिक्रीज़ करता है और ये कैंसिल होकर ट्वेल्व मीटर दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम Now, question number 15. A train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute, that is 30 seconds. The brakes are then applied, and the train comes to rest in one minute. Find a, small a, total distance moved by the train, in b, maximum speed attained by the train, and in c, the position of the train at half the maximum speed. ट्रेन रेस्ट से रुकी हुई थी वहाँ से चलना शुरू करती है और कांस्टेंट एक्सलेशन हाफ मिनट तक मतलब थर्टी सेकेंड तक ट्रेन में ट्रेन को प्रोवाइड किया गया प्रदान किया गया जिससे एक्सलेशन कांस्टेंट एक्सलेशन है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये थर्टी सेकेंड तक हाफ मिनट तक एक्सलेशन ट्रेन को दिया गया और उसके बाद ब्रेक अप्लाई कर दिया गया ड्राइवर द्वारा एंड देन ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन वन मिनट और एक मिनट के बाद ट्रेन रुक गई मतलब फाइनल वेसिटी उसका ज़ीरो हो गया तो डिस्टेंस फर्स्ट में ए में निकालना है टोटल डिस्टेंस मूफ्ट बाई द ट्रेन इन्हें टोटल डिस्टेंस मूव बाई द ट्रेन ट्रेन कितना डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस मूव किया थर्टी एक जब हुआ हाफ मिनट तक एक्सलेशन के साथ है थर्टी सेकेंड तक एक्सेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ है तब कितना अब ब्रेक अप्लाई किया तो रिटार्डेशन होगा और जब अंत में जाकर रुक जाएगा तो स्टार्ट से कितना डिस्टेंस कवर किया दैट इज एस वन प्लसेज टू हमको निकालना है और बी मैक्सिमम स्पीड कितना होगा जब ब्रेक अप्लाई कर दिया उस समय जो ब्रेक अप्लाई करने के पहले तक जो स्पीड जब ब्रेक अप्लाई हो गया उसके बाद तो स्पीड घट ही जाएगा तो ब्रेक अप्लाई करने के पहले तक जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम स्पीड होगा और शुरू में ट्रेन रेस्ट में है तो ब्रेक अप्लाई करने के जस्ट पहले जब ब्रेक अप्लाई हो गया उसके बाद स्पीड घटेगा और सी में निकालना है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड अब ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड जो भी होगा उसका हाफ पर हाफ स्पीड हाफ स्पीड तो तब होगा जब ट्रेन में ये ट्रेन को ब्रेक प्रोवाइड किया गया ट्रेन में जब ब्रेक अप्लाई किया गया तभी जाके स्पीड घटेगा हाफ होगा फिर लास्ट में जाकर जीरो हो जाएगा तो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन यू इज टू जीरो एटमोस्फिर कॉन्स्टेंट एक्सलेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सलेशन ए है ए एक्सलेशन ये है ये प्लस एक्सलेशन है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द ट्रेन और हाफ मिनट टी वन इज टू हाफ मिनट दैट इज थर्टी वन बाई टू मिनट दैट इज थर्टी सेकेंड द ब्रेक्स आर दिन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट और उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया गया तो ट्रेन रेस्ट में आ गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ़ द ट्रेन जीरो हो जा रहा है बीच गल टू जीरो फाइनल स्पीड का सिंबल जीरो होता है इनिशियल स्पीड का सिंबल जीरो होता है इनिशियल स्पीड भी जीरो है बाद में ब्रेक लगाने के बाद फाइनल स्पीड भी ज़ीरो है लेकिन कितने समय के बाद वह फाइनल स्पीड जीरो होता है एक मिनट के बाद तो टाइम टी जो है दूसरा टाइम है एक वन मिनट दैट इज सिक्सटी सेकेंड वन मिनट दैट इज सिक्सटीन सेकेंड वन मिनट को एम से निनोट किए हैं दैट इज वन मिनट इट इज वन मिनट वन मिनट वन मिनट दैट इज सिक्सटी सेकेंड ब्रेक अप्लाई करने के एक मिनट के बाद ट्रेन रुक जाती है पहले निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी फ्रॉम स्टार्ट तो पहले हम निकाल लें कि इसमें निकालना होगा अब एक ए पार्ट का आंसर सॉल्व आंसर थी सॉल्व ए पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ तो पहले देखें कि थर्टी सेकेंड के अंत में उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन आफ्टर थर्टी सेकेंड तो वी यूजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सिलेटेड मोशन वी इजकअल टू यू प्लस ए टी और भी एट थर्टी सेकेंड पर निकालना है हमको वी इजकल टू यू इज ज़ीरो प्लस एक्सलेसन इज टू एक्सलेसन थर्टी सेकेंड तक टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोवाइड है और टाइम टी टी के जगह टी वन हो गया टीके जगह टी वन डैट इज थर्टी सेकेंड हाफ मिनट थर्टी सेकेंड तो भी इजकल टू थर्टी इन टू टू इज सिक्सटी मीटर पर सेकेंड और ये निश्चित रूप से मैक्सिमम स्पीड होगा जो पार्ट बी में निकालना है तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन का भी आंसर हो गया सक्सटी मीटर सिक्सटी मीटर पर सेकेंड क्योंकि इसके बाद तो ट्रेन ब्रेक अप्लाई कर दीजिएगा तो ब्रेक उसका घटेगा हाफ होगा और भी घटेगा लास्ट में जीरो हो जाएगा अब डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये तो हो गया ये आपका ये 30 सेकेंड के लास्ट में जो स्पीड हुआ वो है सिक्सटी मीटर पर सेकेंड और यह अगले जो है एक मिनट के लिए जब ब्रेक अप्लाई किया गया है तो इनिशियल स्पीड होगा तो भी जो है सिक्सटी मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा अगले के लिए भी यहाँ पर जो सिक्सटी मीटर पर सेकेंड है वह अगले मोशन के लिए हाफ मिनट के एक वन मिनट के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगा तो इसको यू डैश सपोज कर लेते हैं तो यू डैश हो गया जो 30 सेकंड के लास्ट में स्पीड है वही नेक्स्ट वन मिनट के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगा जो कि 60 मीटर पर सेकंड और फिर ब्रेक अप्लाई किया गया है ट्रेन रुक जा रही है ट्रेन रुक जा रही है कितने समय के बाद एक मिनट के बाद तो फाइनल स्पीड अब भी को जो फाइनल स्पीड भी को भी डैस सपोज कर लेते हैं चूंकि इनिशियल स्पीड को यूडेस सपोज किया है ये जीरो हो गया और जो डिस्टेंस निकालना है हमको डिस्टेंस कितना कवर किया तो पहले हमको ये थर्टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लेना चाहिए तब जो है hmm. भी मैक्स जो है ये होगा तो पहले हम थर्टी सेकेंड में ही ये तो हो गया भी डैश जीरो हो गया अगले मोशन के लिए तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इन थर्टी सेकेंड एक्सलेशन जो है uh, कितना होगा उसमें निकल जाएगा तो पहले हम निकालें कितना थर्टी सेकेंड के लास्ट में थर्टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इन थर्टी सेकेंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट नाव भी डैश जीरो है रिटार्डेशन हमको निकालना होगा सेकेंड के लिए ए टू ए वन तो था ए डैश निकालना होगा रिटार्डेशन होगा थर्टी सेकेंड से के बाद जब हाफ मिनट के बाद और टाइम है जब ट्रेन रुक गई तो उसके लिए टाइम टी टू इजकल टू वन मिनट ये क्वेश्चन प्रॉब्लम में जो प्रोवाइड किया है उसको लिख रहा हूँ वन मिनट दैट इज सिक्सटी सेकेंड तो इसमें दो डिस्टेंस होगा एक तो जीरो से थर्टी सेकेंड तक फिर जो है ब्रेक अप्लाई करने के बाद फिर एक मिनट फिर नेक्स्ट वन मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो एस टू होगा दोनों को सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन फ्रॉम स्टार्ट तो नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इन थर्टी सेकेंड यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन सी इक्वल टू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नाउ डिस्टेंस नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन

टू मीटर पर सेकेंड एक्सलेशन जो था उसका टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है टू एंड टाइम इज थर्टी थर्टी स्क्वायर डैट इज टू से टू कैंसिल हो गया जीरो जीरो इंटू थर्टी जीरो फर्स्ट टर्म तो समाया थी फर्स्ट फर्स्ट टर्म तो जीरो uh, हो गया और सेकेंड टर्म में थर्टी स्क्वायर बचा डैट इज नाइन हंड्रेड थर्टी स्क्वायर इज नाइन हंड्रेड टू से टू कैंसिल हो गया नाइन हंड्रेड मीटर ये डिस्टेंस कवर्ड वर्ड द ट्रेन है इन फर्स्ट थर्टी सेकेंड अब हमको निकालना है जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो ट्रेन का फाइनल वेलोसिटी ट्रेन का जो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया और अगले वन मिनट के मोशन के लिए जो मैक्सिमम जो स्पीड आया था थर्टी सेकेंड के लास्ट में सिक्सटी मीटर पर सेकेंड वह नेक्स्ट नेक्स्ट वन मिनट के मोशन के लिए इनिशियल स्पीड हो जाएगा तो भी को हमने यू डैस लिखा है सिक्सटी मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड जीरो है टाइम लगा है हर्टी टू वन मिनट मिनट या फिर सिक्सटी सेकेंड पहले ये डैस निकालना होगा और टॉप डिस्टेंस का वर्ड वाई द वर्ड ही निकालेंगे बी एस्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस टू एस यूज करके

टाइम इज सिक्सटी सेकेंड तो पहले इसमें हम निकाल लेते हैं तो ऑफ़ द ट्रेन ऑफ़ द ट्रेन फॉर वन सेकेंड वन मिनट ऑफ़ द ट्रेन फॉर वन मिनट टाइम वन मिनट है टी टू इज टू एज एक्वल्स टू माइनस भी डैस माइनस यू डैश अपॉन टाइम टी टू एविन द इक्वेशन ऑफ मोशन भीज कल टू यू प्लस एटी भी डैस इज जीरो फाइनल स्पीड एक मिनट के बाद ट्रेन रुकी जाएगी और यू डैश जो है वह हो गया सिक्सटी मीटर पर सेकेंड जो कि ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड भी था सिक्सटी और टाइम इज सिक्सटी वन मिनट सिक्सटी सेकेंड दैट इज माइनस सिक्सटी अपॉन सिक्सटी दैट इज वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निगेटिव साइन इंडिकेस रिटार्डेशन माइनस वन मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर सेकेंड माइनस टू दिस इज द एक्सलेशन एडस रिटार्डेशन हो गया एक्सलेशन था ए जीरो से थर्टी सेकेंड तक टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये ए डैस है जो कि अगले ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रेन में अगले वन मिनट के बाद जो रिटार्डेशन है और लास्ट में जाकर ट्रेन रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी भी डैस जीरो रेडैस हो गया रिटारडेशन ऑफ द ट्रेन माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब कितना डिस्टेंस कवर किया इस रिटारडेशन के साथ तो ये निकाल लेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज एस टू इन वन मिनट इन प्री वन मिनट वेन ब्रेक्स आर अप्लाइड नाउ डिस्टेंस एस टू होगा और इनिशियल डिस्टेंस जीरो से थर्टी सेकेंड में ट्रेन ने कवर किया है नाइन हंड्रेड मीटर तो टोटल डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा एस वन प्लस एस टू ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन रिटार्डेशन हो गया ये रिटार ट्रेन इज एड एस माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साइन सोज रिटार्ड बाई द ट्रेन बाई द ट्रेन इन वन मिनट ब्रेक अप्लाई करने के एक मिनट के बाद ट्रेन रुक जाती है तो एक मिनट तक वो डिस्टेंस कवर करेगा इन वन मिनट दैट इज सिक्सटी सेकेंड वन मिनट मीन सिक्सटी सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ मोशन फिर यूज करेंगे डिस्टेंस एस टू इक्वल्स टू भी स्क्वायर भी डेस स्क्वायर माइनस यूडैश स्क्वायर अपॉन टू ए डैश भिडैश इज भिडैश जीरो इक्वल्स टू जीरो स्क्वायर माइनस यूडैश सिक्सटी था यूडैश सिक्सटी स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल्स टू ए डैश रिटार ऑफ द ट्रेन इन वन मिनट इज माइनस वन दैट इज माइनस जीरो स्क्वायर माइनस सिक्सटी स्क्वायर माइनस थ्री सिक्स जीरो जो थ्री थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर माइनस थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड मीटर अपॉन माइनस टू डेट इज माइनस माइनस कैंसिल टू वन एट जीरो जीरो डेट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द टेन इन वन मिनट व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड एटीन हंड्रेड मीटर देर फॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन फ्रॉम द स्टार्ट देट इज़ इन दीरियड थर्टी सेकेंड इन इन विच एक्सेलेसन एंड देर वाज एक्सलेसन वाइज ऑफ द ट्रेन वाज एंड टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन वाज़ ये नाइन हंड्रेड मीटर देर फॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन फ्रॉम द स्टार्ट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम द स्टार्ट कितना हो एस वन एस इक्वल्स टू एस वन प्लस एस टू एस वन था नाइन हंड्रेड मीटर थर्टी फर्स्ट थर्टी सेकेंड में हाफ मिनट में टेन नाइन हंड्रेड मीटर कवर किया था जब एक्सलेशन था टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एस टू हो गया अभी हमने निकाला एस टू रिटायरेशन पीरियड में एटीन हंड्रेड मीटर एटीन हंड्रेड मीटर दैट इज ट्वेंटी सेवन टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड मीटर दैट इज टू पॉइंट सेवन किलोमीटर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो टू पॉइंट सेवन किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम द स्टार्ट इज टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड मीटर और टू पॉइंट सेवन किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्ट और बी में पूछ रहा है मैक्सिमम बी में पार्ट में पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन तो मैक्सिमम स्पीड तो यही होगा जो थर्टी सेकेंड के लास्ट में था तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सिक्सटी मीटर पर सेकेंड तो अब बी पार्ट का आंसर अच्छी सोल्यूशन कर रहा हूँ राइट साइड में बोट के तो मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ द ट्रेन एज भी मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स और वी मैक्स वही होगा जो 30 सेकंड के लास्ट में ब्रेक अप्लाई करने के समय पहले तक जो है एक्सलेशन के साथ जो एक्सलेशन uh, के साथ ट्रेन कवर किया वह मैक्सिमम स्पीड होगा दैट इज सिक्सटी मीटर पर सेकेंड नाउ द स्पीड नाउ द डिस्टेंस कवर पोजिशन ऑफ द टेन एट हाफ एट हाफ टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड दैट इज थर्टी मीटर पर सेकेंड स्पीड पर मैक्सिमम स्पीड है सिक्सटी मीटर पर सेकेंड हाफ स्पीड पर कितना पोजिशन होगा वह निकालना है तो नाउ इन सी वी हैव टू कैलकुलेट द पोजिशन एस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड हाफ द मैक्सीम स्पीड का मतलब है मैक्सीम स्पीड है भी मैक्स उसका आधा हो गया भी मैक्स अपॉन टू वी मैक्स अपॉन टू हो गया हाफ मैक्सीमीड हाफ द मैक्सिमम स्पीड का मतलब भी मैक्स अपॉन टू डैट इज सिक्सटी मीटर ये फाइनल स्पीड होगा डबल डैस इसको मान लेते हैं सिक्सटी मीटर पर सेकेंड अपॉन टू दैट इज थर्टी मीटर पर सेकेंड अब हम निकाल लें कि हाफ हाफ मैक्सिमम स्पीड में हाफ टू द मैक्सिमम स्पीड इसमें अब कितना पोजिशन ट्रेन का क्या था तो हाफ द मैक्सिमम स्पीड कब होगा जब रिटार्डेशन होगा रिटार पर रिटार्डेशन होने पर ही ट्रेन में जब ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तब ना उसका स्पीड घटेगा पहले तो थर्टी सेकेंड तक से हुआ है तो उसमें तो हाफ तो मैक्सिमम स्पीड का सवाल ही नहीं है तो रिटार्डेशन के बाद मैंने वन मिनट के पीरियड के लिए वन मिनट टाइम के लिए ये होगा हाफ द मैक्सिमम स्पीड तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन क्या होगा एस टू तो इज टू फाइनल स्पीड जो होगा ट्रेन का हाफ मैक्सिमम स्पीड थर्टी हो जाएगा और इनिशियल होगा जो ब्रेक अप्लाई करने के पहले जो इनिशियल था दैट इज सिक्सटी मीटर पर सेकेंड तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन या पोजिशन ऑफ द ट्रेन इज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ द ट्रेन हो गया इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन या पोजीशन पहले हम लिखें इसको पोजीशन ऑफ द ट्रेन उसके बाद स्टार्ट से 900 मीटर तक 900 मीटर 30 सेकंड में थी 30 सेकंड में कवर किया था उसको भी जोड़ लेंगे तो स्टार्ट से पोजीशन मिल जाएगा देद फॉर पोजिशन ऑफ द ट्रेन जब स्पीड उसका आधा हो गया है पोजिशन ऑफ द ट्रेन वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम द इक्वेशन बी एस स्क्वायर इज टू यू ए स्क्वायर प्लस टू एस तो पोजिशन अब हो गया न्यू पोजिशन ऑफ द ट्रेन जो है इस पोजिशन को हम एस एस निकालना है इसको हम एस एस थ्री मान लेते हैं न्यू पोजिशन वो एस वन एस टू तो आया ही था न्यू पोजिशन हाफ ये एस थ्री मान लें चाहे एस डबल डैश मान लें एस डबल डैश इक्वल्स टू वी स्क्वायर दैट इज वी डबल डैश स्क्वायर जब स्पीड उसका आधा हो गया है इनिशियल में था यू डैश स्क्वायर अपॉन टू और रिटार्डेशन में ही है ये पीरियड रिटार्डेशन का है तो इज कल टू तो माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी डबल डैश इज वी डबल डैश इज वाट हाफ द मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स अपॉन टू क्योंकि वी डैश पहले ले चुके हैं तो ये थर्टी हो गया थर्टी स्क्वायर और ब्रेक लगाने के पहले ब्रेक लगाने के लास्ट में, में पहले ब्रेक लगाने के पहले जो फाइनल स्पीड था सिक्सटी मीटर पर सेकेंड वह रिटार्डेशन पीरियड के लिए इनिशियल स्पीड होगा तो यू डैस इज कल टू सिक्सटी सिक्सटी स्क्वायर अपॉन टू ए इक्वल्स टू माइनस वन दैट इज 30 थर्टी एक्वायर दैट इज थर्टी स्क्वायर दैट इज नाइन हंड्रेड माइनस सिक्सटी स्क्वायर थर्टी सिक्स हंड्रेड अपॉन टू इंटू माइनस वन माइनस टू दैट इज नाइन हंड्रेड माइनस थर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड अपॉन टू दैट इज 1350 मीटर ये पोजिशन हो गया कब जब स्पीड उसका आधा हुआ रिटार्डेशन पीरियड में उसका पोजिशन हो गया अस मैंने ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है तो उसके हाफ स्पीड से जब ट्रेन चली तो एक मैंने ए माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटारडेशन पीरियड में तो उस समय पोजिशन इसका हो गया एस डबल डैश हो गया वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी मीटर तो इनिशियल से देखेंगे तो 900 इनिशियल से 30 सेकंड में ट्रेन का अगर ट्रेन का अगर इनिशियल से पोजीशन देखेंगे तो इनिशियल से तो 30 सेकंड में कवर किया था हाफ मिनट तक एक्सेसन के साथ 900 मीटर तो एस्ट तो ये पोजीशन जो हो गया है एक मिनट थी ब्रेक लगाने के बाद हो गया रिटार्डेशन पीरियड में जब वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है तब तो ट्रेन का पोजीशन हाफ स्पीड के साथ ये हो गया वन मीटर ये वन वन थ्री फाइव जीरो है फाइव जीरो मीटर अब पोजिशन ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्टार्ट नाइन हंड्रेड और इसमें ऐड कर देंगे देयर फोर देयर फोरथ पोजिशन ऑफ द ट्रेन देयर फोरथ पोजिशन ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द स्टार्ट शुरू से फ्रॉम द स्टार्ट एस निकालना है एस प्रॉब्लम में दिया है एस इक्वल टू एस वन था प्लस एस डबल डैश इसको मान लिए हैं सपोज किए हैं या एस थ्री भी मान सकते थे इसको एस डबल डैश डैट इज एस वन एज एस वन वाज थर्टी सेकेंड में जो टेन का डिस्टेंस कवर किया था टेन ने नाइन हंड्रेड मीटर और नाउ वन थ्री फाइव ज़ीरो मीटर डैट इज टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर वन थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो टू पॉइंट टू फाइव किलोमीटर वन थ्री फाइव जीरो में नाइन हंड्रेड कर दिया गया तो टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर ये टोटल पोजिशन ऑफ द ट्रेन हो गया फ्रॉम द स्टार्ट मतलब थर्टी सेकेंड तक ट्रेन में जो एक्सलेशन रहा था टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फिर माइनस वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन एज कल टू तो माइनस वन मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर के साथ रिटार्डेशन के साथ जब ट्रेन हाफ स्पीड से कवर रहती है हाफ स्पीड जब हो गया ट्रेन का तो जो पोजीशन हो गया टोटल डिस्टेंस हाफ स्पीड के साथ उसने कवर किया डिस्टेंस एस डबल डैश इजकल टू तो, एस डबल डैश इजकल टू तो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया है यहाँ पर नीचे भी माइनस है और नाइन हंड्रेड माइनस थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड दैट इज टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड बाई टू अपॉन इजकअल टू वन थाउजेंड थ्री फिफ्टी मीटर और थर्टी सेकेंड जब एक्सलेशन के साथ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जब तक एक्सलेशन था हाफ मिनट तक तो उसमें ट्रेन ने कवर किया था नाइन हंड्रेड मीटर तो टोटल डिस्टेंस कवर बाई द पोजीशन ऑफ द ट्रेन इज एस वन प्लस एस डबल डैश दैट इज नाइन हंड्रेड मीटर प्लस वन थाउजेंड थ्री फिफ्टी मीटर दैट इज टू थाउजेंड टू फिफ्टी मीटर दैट इज आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई वन थाउजेंड इट इज टू पॉइंट टू फाइव किलोमीटर दिस इज द पोजिशन ऑफ द टेन एट द हाफ एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड now question number 16 of the book concept of physics chapter 3 rest and motion it is part 3 of class 11 a bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0 0.4 meter after covering distance 0 0.4 meter the bullet comes in rest it comes to rest फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन कितना समय लगेगा रिटारडेशन में चूँकि ट्रंक ट्री ट्रंक के अंदर पेड़ के अंदर पेड़ का जो ट्रंक है उसका उसमें बुलेट उसके अंदर इंटर करता है और 0.4 मीटर डिस्टेंस कवर करके रुक जाता है तो कितना टाइम लगेगा उसको रिटारडेशन हुआ चूँकि फाइनल वोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो बुलेट में रिटारडेशन होगा तो उस रिटारडेशन का पीरियड निकालना है कितने समय तक कितने समय तक कितने समय तक रिटार्डेशन टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार रिटार्डेशन का जो समय रिटार्डेशन मेरा चूँकि फाइनल स्पीड टें थ्री ट्रंक के अंदर बुलेट का जीरो हो जाएगा तो कितने समय तक रिटार्डेशन का क्या टाइम है वो निकालना है बुलेट के रिटार्डेशन का टाइम निकालना है तो इनिशियल स्पीड है ए so, बुलेट ट्रेवलिंग विथ स्पीड वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड तो इनिशियल स्पीड यू स्मॉल यूजल टू सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड यू इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑफ द बुलेट वही इज सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड पेनेट्रेट्स ए ट्रंक टी ट्रंकट्रेट्स बुलेट पेनेट्रेट्स ए ट्री ट्रंक ट्री ट्रंक को भेद देता है उसमें घुस जाता है टी ट्री ट्रंक में पेड़ का ट्रंक में उसका जो तना है स्टेम उसमें और रेस्ट में आता है फाइनल स्पीड ज़ीरो भी इचकल टू जीरो फाइनल स्पीड ऑफ़ द ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्री ट्रंक के अंदर ट्री ट्रंक के अंदर डिस्टेंस है जीरो पॉइंट फोर मीटर ए सी कोर्ल्स टू जीरो पॉइंट फोर मीटर और इस रिटारडेशन निकालना है पहले हमको रिटार्टेशन ए निकालना होगा और उसके बाद टाइम कितना टाइम होगा रिटार्डेशन भी मालूम नहीं है और टाइम ऑफ द रिटार्डेशन दोनों निकालना होगा टाइम ऑफ रिटार्ट इवन इन द इक्वेशन दो इक्वेशन ऑफ मोशन हमको यूज करना होगा रेक्टिलिनियर मोशन का दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा पहले मैं हम एक्सेसन निकालें तो ए इज्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन टू एस दट इज वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इन दू इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव एस इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए और फाइनल वेलोसिटी जीरो जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड इज सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड बुलेट का जो इनिशियल शुरू का प्रारंभिक जो चाल है बुलेट का सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड है इनिशियल स्पीड अपॉन आ, और डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमको ए निकल जाएगा यहाँ से ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू टू ए देर फोर ए इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस एस और ए को इंटरचेंज कर देंगे यहाँ ऊपर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में एस इज्कल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए जो फार्मूला होता है देर फोर ए इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन टू टू एस तो यहाँ से एस को ए से इंटरचेंज कर दिया गया तो टू एस इज गिवेन जीरो पॉइंट फोर मीटर ट्रंक के अंदर ट्री ट्रंक के अंदर जीरो पॉइंट फोर मीटर तक इंटर करके प्रवेश करके बुलेट रुक जाती है जीरो स्क्वायर जीरो हो गया दैट इज माइनस सिक्सटीन स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटीन स्क्वायर इज टू फिफ्टी सिक्स आगे माइनस साइन होगा क्योंकि चूँकि जीरो शुरू पहला टर्म जीरो है अपॉन जीरो पॉइंट एट ये और टू इंटू जीरो पॉइंट फोर है ये कैंसिल हो जाएगा फोर से ये सिक्स सिक्स फोर सिक्सटी फोर से कैंसिल हो जाएगा सिक्स फोर जीरो से पॉइंट फोर से टू फिफ्टी सिक्स कैंसिल होगा तो सिक्स फोर्टी हो जाएगा इसलिए कि पॉइंट फोर है तो एक 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 वन प्लेस पर डिसमल है तो ऊपर में टेन से मल्टीप्लाई होगा इसलिए पॉइंट फोर से टू फिफ्टी सिक्स को कैंसिल कराएंगे तो सिक्स सिक्स फोर जीरो होगा सिक्स फोर जीरो टू से कैंसिल हो जाएगा तो थ्री ट्वेंटी हो जाएगा तो रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट इज माइनस आगे माइनस साइन है माइनस थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो रिटार्डेशन तो निकल गया ये स्मॉल निगेटिव साइन एयर देयर इज ये नेगेटिव साइन दिस इंडिकेट्स दैट द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट आफ्टर इंटरिंग इन टू द ट्री ट्रंक नाउ टाइम ऑफ रिटार्डेशन वी हैव टू कैलकुलेट तो टी इक्वल्स टू अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ एक्सलेटेड मोशन यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है लेकिन रेक्ट्रीनियर एक्सीटेड मोशन का जो इक्वेशन है रिटार्डेशन हो रहा है तो एक ही जगह नेगेटिव आ ही गया है रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट माइनस थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ रेक्ट्रीनियर मोशन टू कैलकुलेट भी टाइम ऑफ रिटार्डेशन देयर फॉर टाइम ऑफ रिटार्डेशन इज टाइम ऑफ रिटार्डेशन स्मॉल एज द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट इट इज रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट यहां लिख सकते हैं रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट जो कि माइनस थ्री ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम ऑफ रिटार्डेशन रिटार्डेशन का जो टाइम है ट्री टर्म के अंदर वो हो जाएगा टीच गल टू यूजिंग द इक्वेशन ऑफ अनदर इक्वेशन ऑफ रेक्ट्रीनियर रेक्ट्रीनियर मोशन वी इजगल टू यू प्लस एटी देयर टी इजगल टू वी माइनस यू अपॉन ए दे वी इज फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रेन थी बुलेट इज जीरो चूँकि ट्री ट्रंक के अंदर घुस करके ट्री के ट्रंक के अंदर ट्री ट्रंक के अंदर इंटर करके बुलेट रुक जाएगी तो जीरो स्क्वायर इनिशियल स्पीड था सिक्सटीन जीरो तो वी जीरो हो गया माइनस सिक्सटीन और रिटार्डेशन आ गया माइनस थ्री ट्वेंटी That इज टी इज टू और टी इक्वल्स टू टाइम ऑफ रिटार्डिसन माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री माइनस थ्री टू जीरो तो ये थ्री टू जीरो सिक्सटीन से कैंसिल होकर के टू टाइम्स माइनस माइनस कैंसिल ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी सेकेंड डैट इज ट्वेंटी सेवन में डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फिर जीरो फाइव सेकेंड आंसर ये टाइम ताँ हो गया टाइम ऑफ रिटार्डेशन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द रिटार्डेशन रिटार्डेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है समय अंतराल हो गया कितना जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम नाउ आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पार्ट पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर थ्री दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ़ दिस पार्ट डेट इज पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर थ्री रेस्ट एंड मोशन डाइनमेटिक्स ऑफ द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज ए बुलेट गोइंग विथ स्पीड थ्री फिफ्टी मीटर पर सेकेंड पेनेट्रेट्स इंटर्स सॉरी इंटर से कंक्रीट वाल पेनाट्रेट ए डिस्टेंस ऑफ फाइव सी एम बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइन द डिसलेसन ऑफ द बुलेट डिसलेसन और रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट कैलकुलेट करना है एक बुलेट है जो कि 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ा जाता है इनिशियल वेलोसिटी फायर किया जाता है बुलेट को 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और वो एक कंक्रीट वाल कंक्रीट की दीवाल सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई दि, जो दीवाल है तो उसमें इंटर करता है और उसके अंदर उस कंक्रीट वाल के अंदर फाइव सेंटीमीटर तक अंदर इंटर कर प्रवेश कर रेस्ट में आ जाता है तो कितना डिस फाइन द डिसलेसन ऑफ द बुलेट डिसलेसन और रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट तो बुलेट का डिसलेसन और रिटार्डेशन निकालना है बुलेट का मंदन क्या होगा ये निकालना है बुलेट जो है 350 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड से इंटर करता है कंक्रीट की दीवार के अंदर और 5 सेंटीमीटर तक उसके अंदर इंटर कर प्रवेश कर रुक जाती है बुलेट तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बुलेट का डिसलेसन या रिटार्डेशन मंदन निकालना है बुलेट का निगेटिव साइन होगा ये का बुलेट गोइंग विथ स्पीड तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इट इज गिवेन थ्री फिफ्टी मीटर पर सेकेंड यू स्मॉल यू इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इनिशियल स्पीड का सिम्बॉल यू होता है थ्री फिफ्टी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और फाइनल स्पीड तो जीरो होगा और जो डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन साइड द कंक्रीट वाली फाइव सी एम फाइव पॉइंट जीरो सी एम दैट इज फाइव सी एम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो फाइव अपॉन हंड्रेड मीटर दैट इज 100 से फाइव में डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू टेन टू पावर माइनस टू मीटर भी चलिए अब रिटार्डेशन आपको निकालना है और फाइन बुलेट रेस्ट में आ जाता है रेस्ट में आने के पहले कंक्रीट वाल के अंदर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है बुलेट तो फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगा और रिटार्डेशन निकालना है बुलेट का ये इक्वल टू वाट एक्सलेशन और रिटार्डेशन दोनों का सिम्बॉल स्मॉल ही होता है लेकिन Uh, अंतर यही है कि एक्सलेशन में जो है इनकी वेलोसिटी में इंक्रीज होता है रेट ऑफ इंक्रीज इज कॉल्ड एक्सलेशन वाइल रेट ऑफ डिक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन वाइल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन में निगेटिव साइन और एक्सलेशन uh, में पॉजिटिव साइन फार्मूला फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का एस इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर माइनस यू एस स्क्वायर अपॉन टू ए देयर फोर ए इज्क्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू एसक्वायर अपॉन टू एस यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव यूजिंग द फार्मूला ऑफ एक्सलेटेड मोशन यहाँ हालांकि रिटार्डेशन हो रहा है लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ए इक्वल्स टू यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव ए इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस ये फार्मूला हमने ऑप्टेंड किया वी ए स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस टू एस अब यहाँ पर जो भी दिया हुआ है यहाँ ए गया इधर राइट साइड में इसको लिख रहा हूँ बोर्ड के बी इजक्ल टू जीरो माइनस यू इजक्ल टू थ्री फिफ्टी एक्वायर अपॉन टू एस एस इज फाइव सी एम बीच इज इन एस आई यूनिट जीरो पॉइंट जीरो फाइव इज माइनस थ्री फिफ्टी स्क्वायर जीरो फर्स्ट टर्म जीरो है तो माइनस हो जाएगा माइनस थ्री 350 थ्री फिफ्टी थ्री फाइव जीरो इंटू थ्री फाइव जीरो दैट इज थर्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फ़ाइव वन टू टू फाइव और दो जीरो भी हो जाएगा और नीचे में फाइव इंटू टेन फाइव इंटू टू डैट इज़ टेन और दो प्लेस पर स्मॉल है दैट इज़ पॉइंट वन ज़ीरो दैट इज़ जीरो पॉइंट वन जीरो मैंने जीरो पॉइंट वन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो पॉइंट वन डैट इज माइनस वन टू टू फाइव डबल ज़ीरो और एक और जीरो यहाँ टेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में जीरो पॉइंट वन है टू पॉइंट जीरो फाइव में टू से मल्टीप्लाई किए तो पॉइंट वन जीरो हुआ जिसको पॉइंट वन लिख सकते हैं अब एक और जीरो इसमें हो गया तो माइनस और ये रिटार्डेशन है ए इक्वल्स टू निगेटिव साइन आ रहा है इसमें, में तो दैट इज रिटाडेशन ये हो जाएगा वन टू टू फाइव ट्रिपुल जीरो हो जाएगा दो जीरो पहले से है एक और जीरो हो गया अब एक प्लस वन टू थ्री फोर फाइव अब इसको हम लिख सकते हैं वन टू पॉइंट टू फाइव ट्रिपुल जीरो इन टू टेन टू डी पावर फाइव टेन टू पावर फाइव से अगर मल्टीप्लाई करें और टेन टू पावर फाइव से डिवाइड करें तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इसको राउंड ऑफ करके केवल हम माइनस ट्वेल्व पॉइंट टू उसके बाद फाइव है लास्ट डिजिट फाइव है उसके बाद सब जीरो है छोड़ देंगे डिसमल के बाद और ये फाइव है उसके पहले इवन नंबर है इसलिए ये अनचेंज रह जाएगा इवन नंबर अगर यहाँ ऑड नंबर थ्री रहता यहाँ फाइव रहता तो एक जोड़ के वन ऐड कर देते इसमें प्रिसीडिंग डिजिट में तब ट्वेल्व पॉइंट फोर हो जाता यहाँ पर केवल ट्वेल्व पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम रिटार्डेशन ऑफ ऑफ द बुलेट इज माइनस ट्वेल्व पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर राउंडिंग ऑफ दिस टर्म माइनस वन टू पॉइंट टू फाइव ट्रिपल जीरो इंटू टेन टू पावर फाइव ऐसा आंसर यहाँ भी आ गया माइनस वन टू टू फाइव ट्रिपल जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी हो सकता है लेकिन इसको सिग्निफिकेंट डिजिट के रूप में और पावर के रूप में एक्सप्रेस करना टेन के टेन टू टेन के पावर में एक्सप्रेस करना ज़्यादा बेटर होता है तो दिस इज द रिटार्डेशन ये है आपका रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट रिटार्डेशन डेशन ऑफ द बुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट आ गया इतना एजिकल टू माइनस ट्वेल्व पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फाइव है टेन टू द पावर फाइव फाइव टेन टेन के पावर में है यहाँ हमने किया था टेन टू पावर फाइव से टेन टू पावर फाइव से मल्टीप्लाई और टेन टू पावर फाइव से डिवाइड तो इतना या फाइव प्लेस तक डिसमल देंगे तो उतना टेन का टेन पर फाइव जीरो भी से मल्टीप्लाई भी करना होगा तो ये पार्ट समाप्त होता है पार्ट थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर थ्री रेस्ट एंड मोशन का थैंक यू वेरी मच